हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का कर चुके हैं। आज हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल्स करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन, ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए हम लोग को ये तीन बेसिक फार्मूला जानना होगा। इसी तीन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप में, डी एक्स बाई वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई एक्स देन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमको पहले लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है आपका, डी एक्स बाई वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ फोर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कर सकते हैं हम उस फॉर्म में लाने के लिए, हम लोग यहाँ से फोर को बाहर निकालना होगा। तो यहाँ वन बाई फोर हो जाएगा, कॉमन ले लिए तो डी एक्स बाई वन बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है ना, ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वन बाई फोर डी एक्स बाई वन बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए मेरा फॉर्मूला में तो आ चुका है ना, डी एक्स बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वन बाई फोर वन बाई टू ए, तो इंटू वन बाई टू इंटू ए की जगह पे क्या, वन बाई टू लॉग ए प्लस एक्स, मतलब वन बाई टू प्लस एक्स बाई वन बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ टू और टू कैंसिल कर देंगे, तो वन बाई फोर लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, टू वन प्लस टू एक्स बाई वन माइनस टू एक्स बाई टू। अब यहाँ टू और टू कैंसिल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, वन बाई फोर लॉग वन प्लस टू एक्स बाई वन माइनस टू एक्स प्लस सी, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन डी एक्स। अब देखिए ये तीनों में से किस फॉर्मूला के लिए ये एप्लीकेबल होगा, तो अब इसको पहले उस फॉर्म में लाएंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, है ना, फोर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग डाल सकते हैं ना, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन बाई ए, ए में क्या है फोर है, तो वन बाई फोर टेन इनवर्स एक्स एक्स बाई फोर प्लस सी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, डी एक्स बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव। तो पहले तो हम लोग को कॉमन निकालना है, क्या कॉमन आ सकता है, सिक्सटीन ना, तो वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन, ये हो सकता है क्या, है ना। अब देखिए हम लोग वन बाई सिक्सटीन एज इट इज रहने दीजिए, और इसको किस फॉर्म में, इसको पहले फॉर्म में लाते हैं, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन, मतलब फाइव बाई फोर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेकेंड फार्मूला में अप्लीकेबल है। अप्लाई करते हैं, वन बाई सिक्सटीन वन बाई टू ए लॉग ना, वन बाई टू ए, मतलब वन बाई टू और ए का वैल्यू कितना है, फाइव बाई फोर, फिर हो जाएगा क्या, लॉग एक्स माइनस फाइव बाई फोर बाई एक्स प्लस फाइव बाई फोर प्लस सी, इतना क्लियर है। यहाँ से हम लोग टू टू कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, और इस टू से यहाँ पे टू एट जो सिक्सटीन, तो वन बाई फोर्टी, एट फाइव जो फोर्टी लॉग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फोर फोर एक्स माइनस फाइव बाई फोर एक्स माइनस प्लस फाइव बाई फोर, है ना। अब फोर फोर कैंसिल, आंसर क्या होगा हम लोग का, वन बाई फोर्टी लॉग
फोर एक्स माइनस फाइव बाई फोर एक्स प्लस फाइव प्लस सी, ये हो जाए। यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में तो कहीं पे एक्सपोनेंट नहीं है, लॉगरिदम है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये हो सकता है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इस जगह पे हम लोग डी टी लिखेंगे, डी टी और बाई ई टू द पावर एक्स, मतलब इसको लिख सकते हैं ना ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कर सकते हैं ई टी बाई ई टू द पावर एक्स, मतलब टी टी की स्क्वायर प्लस वन। अब ये वन को भी वन का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में आ गया है। अभी क्या हो जाएगा, वन बाई ए, ए मतलब वन, टेन इनवर्स एक्स मतलब टी बाई वन प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, वन टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टी, टी मीन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। वेरी इजी क्वेश्चंस, आप लोग आराम से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसी पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। मतलब कि आप पुट कर सकते हैं कॉस एक्स है और लाना क्या है साइन एक्स। तो पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू, अगर हम टी पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या है, डी टी है, तो ये पूरा डी टी हो जाएगा। तो डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर, है ना, दैट इज डी टी बाई वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इजीली हम लोग किस पे पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे ना, क्या हो जाएगा, वन बाई ए मतलब वन बाई वन, सॉरी इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, अब इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है ना, वन बाई वन टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन इनवर्स टी बाई वन प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी हम लोग क्या पुट किए हैं, कॉस एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।